हेलो गाइस, आई एम नीलम मेकओवर। आज ये थोड़ी हैवी ग्रोथ को मैंने, किसी ने मुझसे रिक्वायरमेंट की थी कि हैवी ग्रोथ में आप बताएं कि हैवी ग्रोथ में आप अंडर आर्म्स कैसे करेंगे। तो ये देखिए हमने क्या क्या है। यहाँ पर रिका की वैक्स ली है हमने। अभी समर का टाइम है इसलिए मैं रिका की वैक्स ले रही हूँ, मैं दूसरी कोई वैक्स यूज़ नहीं कर रही हूँ। पूरे के समर टाइम में मैं रिका वैक्स यूज़ करूँगी। इनकी काफ़ी हैवी ग्रोथ थी और हमने एक ही बार में भी इनको ही निकालना है, दो तीन बार में नहीं निकालना है। ये देखिए मेरी अंडर आर्म्स के ग्रोथ को, यानी कि अंडर आर्म्स को अच्छी तरीके से वैक्स करने का तरीका एक ही टेक्निक में अपनाती हूँ। एक ही बार में लगाया और एक ही बार में खींच दिया। ये देखिए एकदम क्लीन, बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं एक ही बार में। ना ही हमने दो रूट पर कि दो रूट में देखेंगे हेयर की ग्रोथ किधर है, ये देखेंगे सिर्फ आप, ना ही हम दो भागों में करके उसको बनाएंगे। तो हमने ये देखिएगा एक ही बार में काफ़ी क्लीन हो चुके हैं, एक भी बाल आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। काफ़ी ग्रोथ बिल्कुल एकदम क्लीन हो चुकी है, सब निकल गई है। तो तरीका वही है जो मैं हमेशा बताती हूँ आपको। और क्लीन करने के बाद हमने यहाँ पर लोशन लगाया है। तरीका वही है, हर जो इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ तरीका सेम ही है। सिर्फ हमारी क्या हो जाती है कि वैक्स चेंज हो जाती है या डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हमने भी दूसरी अंडर आर्म्स भी इस तरीके से की है। एक ही बार में अपना इस में वैक्स लेंगे और एक ही बार में अपोजिट साइड उसको लगा देंगे। तो हमने जिस तरफ देखिए रुख देख करके बालों को लगाना है। एक ही बार में हमारा बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएगा अंडर आर्म्स। और ये तरीका अपनाएंगे दोस्तों तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपके अंडर आर्म्स क्लीन होंगे। ये देखिए एक भी बाल हमारा नहीं बचा है, सारे हेयर निकल चुके हैं। और इसको अच्छी तरह से क्लीन करेंगे और एक दो बाल जो रह जाए वो वहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा टेलकम पाउडर लगाएंगे, उसके बाद हम थोड़ी वैक्स लगाएंगे, फिर उसको हम एक ही बार में क्लीन कर देंगे। यहाँ पे इनके ऊपर के भाग पर थोड़े से कुछ हेयर रह गए थे जिसको हमने वैक्स लगा के क्लीन किया है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके, बाय बाय।